फ्रेंड्स वेलकम टू सचिन गोयल क्लासेस सो विल बिगन टुडे विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास टेन दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस एंड स्टूडेंट्स इसको जो है समझने से पहले जब आप चैप्टर को शुरू करते हैं स्टार्ट स्टार्टिंग विद द फर्स्ट चैप्टर कुछ प्रियर इक्विजिट्स होते हैं ठीक है तो पहले हम जो है उनके बारे में डिस्कस करेंगे सो यू नो इट यू शुड नो इट वेरी वेल उसके बारे में आपको पता होगा तभी हम इस चैप्टर में आगे बढ़ पाएंगे जो चीज़ें आपने नाइन्थ क्लास में या इवन उससे पहली क्लासेस में सीखी हुई हैं फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट जो आपको आना चाहिए आपको जो है फर्स्ट ट्वेंटी एलिमेंट्स फर्स्ट ट्वेंटी एलिमेंट्स जो हैं वो वन टू ट्वेंटी यानी कि हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक आपको जो है उनके एटॉमिक नंबर के साथ आपको अच्छे से याद होना चाहिए ठीक है उनके सिंबल्स आपको याद होने चाहिए वो फर्स्ट थिंग है पकड़ क्योंकि छोटी क्लासेस में की हुई आपने तो वो आप अपने घर पे कहीं से भी किसी रिसोर्स से देखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं वो भी हमारा ज़्यादा सब्जेक्ट ऑफ कंसर्न नहीं वो है वो प्री रिक्विजिट है यानी आपको पहले से आना चाहिए ठीक है अब इसके बाद क्या चीज़ आती है कि जैसे आपको फर्स्ट ट्वेंटी एलिमेंट्स आ गए उसके बाद अगली चीज़ क्या आती है कि यू शुड बी एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन वॉट इज़ एन एटम एंड वॉट इज़ आयन है ना वाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एटम एंड आयन ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए एटम जो होता है एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है उस पर जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है लेकिन जो आपका एक आयन होता है आयन जो है वो चार्ज पार्टिकल्स को बोलते हैं अपने जिन पर चार्ज होता है उन पर चार्ज इसलिए होता है क्योंकि देयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स ठीक है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर बराबर नहीं होते तो ये जो है बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान होता है और उससे क्या होता है कि ये क्यों होता है इसकी अगर बात करें अपने तो जो है इसका कारण क्या हो जाता है कि जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं तो उसमें जैसे मान लीजिए सोडियम की बात करते हैं ना सोडियम की जब आप बात करते हैं तो सोडियम में इलेवन प्रोटॉन्स और इलेवन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ठीक है सोडियम में इलेवन प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ये एटम सोडियम का न्यूट्रल होता है क्योंकि टोटल चार्ज जीरो होता है क्लोरीन का भी बात करें सेवनटीन प्रोटॉन्स होते हैं इसके पास सेवनटीन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास और इसका टोटल चार्ज इसका भी क्या होता है जीरो होता है टोटल चार्ज इनका भी बच्चों ज़ीरो होता है तो तब ये केस इस केस में क्या है ये एटम है तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है लेकिन क्या होता है कि जैसे आपको पता है सोडियम की जो कॉन्फिग्रेशन है वो आती है टू एट वन और क्लोरीन की आती है टू एट सेवन तो ये हर एलिमेंट जो है अपनी नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन अटेन करना चाहता है यानी जो है वैलेंस शेल में एट इलेक्ट्रॉन्स चाहता है क्योंकि एट इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में जो होते हैं तो वो काफ़ी स्टेबल हो जाता है तो स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है बाहर वाला उसका औट्रोमोस इलेक्ट्रॉन वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अपना क्लोरीन को दे देता है जब सोडियम और क्लोरीन आमने सामने आते हैं तो ऐसा होने पर क्या होता है कि सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन सोडियम ने अपना दे दिया तो सोडियम के साथ क्या हुआ उसको फ़ायदा क्या हुआ सोडियम को कि उसका एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया एक इलेक्ट्रॉन कम होने से उसका जो अंदर वाला शेल है वो सबसे बाहर वाला हो गया जो नेक्स्ट शेल था और इसके वैलेंस शेल में एट इलेक्ट्रॉन्स आ गए वैलेंस शेल बोलते हैं वैलेंस शेल जो है बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल को तो वेल शेल में एट इलेक्ट्रॉन्स लाना टारगेट होता है इनका तब वो स्टेबल हो जाते हैं उसी तरह से क्लोरीन के पास प्लस वन हो गया तो यहाँ पर इसके पास एट इलेक्ट्रॉन्स हो गए दोनों खुश एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से लेकिन ऐसा होने पर ऐसा होने पर फ़र्क क्या पड़ा फ़र्क देखो आप क्या पड़ गया कि जो सोडियम था सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन कम होने से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स इलेवन की जगह पर रह गए टेन और इस कारण से क्या हुआ कि इसका इस पर चार्ज आ गया तो अब ये सोडियम का आयन बन गया इस पर चार्ज आ गया प्लस वन क्योंकि प्रोटॉन तो कहीं गया नहीं प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में था वो तो वहीं रहा तो इस कारण से क्या हुआ सोडियम पर चार्ज जनरेट हो जाता है प्लस वन उसी तरह से क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया सेवनटीन की जगह एटीन हो गए और इस कारण से इसका चार्ज क्या हो गया माइनस वन इसका चार्ज हो गया माइनस वन तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया इसके पास अब ये दोनों जब इनके ऊपर अपोजिट चार्ज डेवलप होते हैं तो फिर क्या होता है आपको पता ही है अपोजिट चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करके और एक कंपाउंड बना लेते हैं जिसको आप सॉल्ट कॉमन सॉल्ट बोलते हो जो खाने वाला नमक होता है ना कॉमन सॉल्ट तो ये वो बन जाता है इस तरीके से तो देखो बताने का मतलब ये है आपको कि आपको ये पता होना चाहिए कि पहले जो था एटम था न्यूट्रल था क्यों था क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर थे बाद में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के नंबर अलग अलग होने से दे हैव बीन कन्वर्टेड इन टू ठीक है और देखो इलेक्ट्रॉन चला जाता है अगर इलेक्ट्रॉन जाता है सोडियम पे से इलेक्ट्रॉन गया तो उस पर चार्ज क्या आया प्लस और जब आप बात करोगे क्लोरीन पर चार्ज आया तो uh, इलेक्ट्रॉन आया तो उस पर चार्ज क्या आ गया माइनस अगर किसी किसी एटम में से दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो उस पर प्लस टू चार्ज आ जाएगा तीन इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो प्लस थ्री चार्ज आ जाएगा सिमिलरली किसी एटम पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो प्लस माइनस वन आएगा दो इलेक्ट्रॉन आएंगे तो माइनस टू आएगा तीन इलेक्ट्रॉन आएंगे तो माइनस थ्री आएगा तो इस तरीके से क्या होता है ये आयन्स होते हैं सो आयन्स जो हैं आयंस जो हैं इस तरीके से आप देखेंगे आयन्स कैन बी क्लासीफाइड इंटू टू टाइप्स एक तो होता जा� है कैटाइन और दूसरा होता है एनायन ठीक है देसी भाषा में बोलें तो इलेक्ट्रॉन के कट लेने से कैटायन याद रखने के लिए और इलेक्ट्रॉन के आने से एनायन बनता है तो कैटाइन पर होता है पॉजिटिव चार्ज और एनायन पर होता है नेगेटिव चार्ज ये बात इसके अंदर ध्यान रखने वाली होती है मूविंग फॉरवर्ड इसमें क्या चीज़ आती है आपके पास कि जब आप केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की बात करोगे तो आपको जब आप इक्वेजन्स लिखोगे तो उससे पहले आपको फार्मूला फ्रेम करना आना चाहिए और फार्मूला फ्रेम करने में क्या चीज़ आती है आपके पास कि फार्मूला फ्रेम करना आपने नाइन्थ क्लास में सीख लिया होता है बट फिर भी हम उसको थरो करेंगे अगर वो थॉरो नहीं किया होगा ना तो आगे अभी हम अपना काम नहीं कर पाएंगे जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करें कैल्शियम फॉस्फेट होता है तो कैल्शियम फॉस्फेट का आपने होपफुली नाइन्थ में सीखा होगा कैल्शियम होता है सी ए टू पॉजिटिव फॉस्फेट होता है पी ओ फोर थ्री नेगेटिव पी ओ फोर थ्री नेगेटिव तो हम क्या करते हैं ये इस तरीके से जो है कैल्शियम के पैरों में फॉस्फेट का चार्ज और जो है फॉस्फेट के पैरों में जो है कैल्शियम का चार्ज हम लगाए थे यहाँ पर टू तो ये कैल्शियम फॉस्फेट का इस तरह से जो है फॉर्मूला बनता है देखो हम में से बहुतों की चीज़ें नहीं आती अगर ये चीज़ें हमारी वीक रह गई तो हम ग्रास रूट लेवल पे वीक रह जाएंगे केमिस्ट्री कभी भी नहीं समझ पाएंगे तो ये चीज़ें हमें आनी चाहिए सो देर इज़ अ लिस्ट ऑफ सम कॉमन कैटाइंस एंड एनाइंस आप इसको जो भी है इस वीडियो को पॉज करके इसको आप ध्यान से ऑब्जर्व कर सकते हैं जैसे पहले देर अ लिस्ट ऑफ कैटाइंस हालांकि देखो दिस लिस्ट कैन बी क्वाइट लॉन्ग बट जो है अभी आपके लिए बींग इन क्लास टेन इतना सफिशेंट है ये आपको देखो रटनी ही पड़ेगी इसमें याद करना पड़ेगा आपको हाइड्रोजन एच पॉजिटिव लिथियम एल आई पॉजिटिव सोडियम एन ए पॉजिटिव पोटेशियम के पॉजिटिव रूबीडियम आर पॉजिटिव सीजियम सी एस पॉजिटिव मैग्नीशियम एम जी टू पॉजिटिव कैल्शियम सी ए टू पॉजिटिव स्टोशियम एस आर टू पॉजिटिव बेरियम बी ए टू पॉजिटिव एल्यूमिनियम ए एल थ्री पॉजिटिव जिंक जेड एन टू पॉजिटिव सिल्वर ए जी पॉजिटिव अमोनियम एन एच फोर पॉजिटिव सी अमोनिया होता है एन एच थ्री इसमें बहुत बार गलती लगती है अमोनिया एन एच थ्री होता है ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है लेकिन अमोनियम कैटायन होता है अमोनियम जब आप बोलते हैं स टाइप ऑफ कैटायन एन एच फोर पॉजिटिव होता है ठीक है तो ये बात आपको बतानी चाहिए उसके बाद उसी तरीके से अपने आगे बढ़े जैसे इसमें जो है आ, ये चीज़ देखिए अब आप समझने वाली है कुछ कुछ कैटाइंस में ऐसे होता है कि वो अपने स्टेबल कंपाउंड्स में दो तरह के चार्जेस दिखाते हैं मतलब या तो किसी में जैसे मतलब जैसे ये जो आपने ऊपर तक पढ़े यहाँ तक आपने पढ़े ये जब भी चार्ज इन पर होगा तो इन पर फिक्स ही चार्ज है मतलब कभी भी किसी कंपाउंड में आपको लिथियम पर प्लस वन के सिवाय और कोई चार्ज नहीं मिलेगा सोडियम पे प्लस वन के सिवाय और कोई चार्ज कभी नहीं मिलेगा लेकिन जब आप बात करेंगे जब हायर क्लास में बात करें तब तो हम इसको चार्ज की जगह पर एक्चुअली ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं लेकिन अभी आपके लिए चार्ज वर्ड ठीक है तो लेकिन कुछ कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो अपने कंपाउंड्स में किसी कंपाउंड में कोई चार्ज शो करते हैं किसी कंपाउंड में कोई चार्ज शो करते हैं तो जो पुराना तरीका था उसमें हमने क्या कर रखा था ऐसे केसेस में कि जो भी सिंबल से नाम बनता था जैसे जैसे यहाँ पर आयरन के लिए एफ होता है तो आयरन का जो वर्ड आया है ये नाम जो आया ये ग्रीक वर्ड होता है फेरम फेरम से आया ग्रीक जो है ना जो आपके इसमें जो है फेरम लैटिन नेम्स रादर कहते हैं इनको तो फेरम बोला जाता है इसको एक्चुअली देखो प्रॉब्लम क्या आती है कई जगह पर आप देखते हो नॉर्मली तो जैसे ब्लीथियम है तो एल है लेकिन सोडियम में एन्य हो गया ठीक है पोटेशियम में क्या हो गया ऐसे क्या होता है कई जगह पर क्या होता है कि सिम्बल्स मैच नहीं कर पाते तो उस केस में आप जो है इस चीज़ को यूज़ करते हैं जैसे आयरन है अब आयरन के लिए अगर मैं आई यूज़ करूँ तो वी आर यूजिंग इट फॉर आयोडीन आई आर यूज़ करूँ तो वी आर यूजिंग इट फॉर एरिडियम तो इसीलिए क्या होता है कि इस केस में हम फिर इसका फेरम वर्ड लिया हमने और वहाँ से एफ ई इसका सिंबल निकाला है सोडियम की बात करो तो एस फिर आ जाता है आपका सल्फर के लिए तो इसीलिए क्या होता है नेट्रियम वर्ड होता है वहाँ से हम एन ए लिखते हैं तो ऐसे कई चीज़ों में पोटेशियम के लिए बात करते हैं अगर अपने तो पी यूज़ करते हैं फॉस्फरस के लिए पी ओ जो है वर्ड जो है हम यूज़ करते हैं पोलोनियम के लिए तो इससे अच्छा इसका केलियम जो है वर्ड होता है वहाँ से हमने के यूज़ किया हुआ तो इस तरीके से जो है बहुत से आप केसेस देखेंगे कॉपर होता है कॉपर के लिए सी यूज़ करो तो कार्बन होता है सी ओ यूज़ करो तो कोबॉल्ट होता है तो हम इसका क्या होता है कि कॉपर का जो वर्ड है लेटिन नेम है क्यूप्रम है सी यू पी आर यू एम क्यूप्रम तो इस क्यूप्रम से हम जो है इस चीज़ को वहाँ से हम सी यू इसका जो है सिंबल लेते हैं तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा याद करनी पड़ेंगी लेड है लेड के लिए पी बी यूज़ करते हैं प्लमबम ग्रीक वर्ड होता है प्लम बम ठीक है वहाँ से हमने इसका नाम लिया है प्लमबम जो एलिमेंट का नाम तो पी भी इसका सिंबल यूज़ करते हैं तो इस तरीके की कई चीज़ें हैं देखो एक ये ऑनलाइन मेथोडलॉजी में थोड़ी लिमिटेशन तो है आप यहाँ से आप पॉज करके इसको अपनी चीज़ें अपने पास एक नोट कर सकते हो अपने नोट्स बना सकते हो ठीक है सो तो जो है यहाँ पर जो है हम बात कर रहे थे जैसे इन मेटल्स की हम बात करें तो आयरन जो है अपने कंपाउंड्स में दो तरह के चार्ज शो कर सकता है या तो प्लस वन प्लस टू या प्लस थ्री तो इसमें पुराना मेथड क्या था उसमें पुराना मेथड ये था जैसे फ़ेर था तो फेरम का यूएम हटा दिया और जो कम चार्ज वाले के आगे जो है जैसे फ़ेर तो हमने वर्ड यूज़ किया लेकिन जो कम चार्ज वाला है उसके लिए हम जो सफिक्स uh, लगाते हैं सफिक्स लगाते हैं वो लगाते हैं अस और बड़े चार्ज के लिए हम सफिक्स लगाते हैं तो फ़ेरस और फेरिक नाम बनते हैं लेकिन बाद में आई ने कहा भी ये चीज़ें काफ़ी मुश्किल हैं तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए उन्होंने क्या करा वो कहते हैं सिंपली आप क्या करो उस एलिमेंट का नाम लिखो और आगे ब्रैकेट में रोमन न्यूमरल्स में उसका जो चार्ज है वो लिख दो जैसे फ़ेरस को आप आयरन सेकेंड लिख सकते हो और फ़ेरिक को आप आयरन थर्ड लिख सकते हो इस तरीके से सिमिलरली कॉपर जो है तो कॉपर कॉपर का मैंने आपको बताया क्यूपरम वर्ड था तो क्यूपर तो हमने ले लिया लेकिन क्यूपर के बाद फिर जो है उसमें कॉपर में हमें दो तरह के चार्जेस मिलते हैं प्लस वन और प्लस टू तो इसका जो है हमने जो पुराना तरीका था पुराने तरीके में तो जो है इसको कैसे बोला करते थे पुराने तरीके में इसको क्यूप्रस और इसको बोलते थे क्यूप्रिक लेकिन जो है अब हमने इसको चेंज कर दिया तो हम जो है इसको इसको बोल देते हैं कॉपर फर्स्ट और इसको कॉपर सेकंड तो ऑल दो अभी भी जो है उसी तरह से लेड में प्लम्बस और प्लम्बिक और या लेड सेकंड और लेड फोर्थ लेकिन जो है आप ये समझिए हमारी एन में अभी भी जो पुरानी मैथोलॉजी चल रही है तो आपको तो दोनों मैथड्स याद करने पड़ेंगे ठीक है तो एज़ फार एज क्लास टेन इज़ कंसर्नड आप इतना अगर याद कर लेते हैं दैट इज़ मच मोर देन सफिशेंट इतने कैटाइज आपको याद होने चाहिए एनी टाइम उनके चार्जेस आपको याद करने पड़ेंगे सिमिलरली मूविंग फॉरवर्ड देर इज़ लिस्ट ऑफ एनायंस एनायंस की जब हम बात करते हैं तो एनायंस में भी क्या होता है कि आपको इनके चार्जेस के साथ इनको याद करना पड़ेगा तो ये देखिए हाइड्राइड फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड ऑक्साइड सल्फाइड नाइट्राइड फॉस्फाइड, पर ऑक्साइड यहाँ तक तो बात है ठीक ठीक है आप ध्यान से देखना एनायंस दो तरह के होते हैं मोनो एटोमिक और पॉली एटोमिक यानी एक एटम से बना हुआ और एक से ज़्यादा एटम्स का बना हुआ ठीक है जब ये एक से ज़्यादा एटम्स के बने होते हैं नॉर्मली ठीक है तो उसमें ऐसा हो सकता है कभी कभी कि जैसे यहाँ पर आप देखो दो अलग अलग टाइप के कंडीशन आपको अच्छा एक तो पहले तो अगर तो एक एटम का है तो नॉर्मली दे एंड विद सफिक्स आइड फ्लोराइड ब्रोमाइड क्लोराइड आयोडाइड इनमें आइड आता है फिर जो ऑक्सीजन कंटेनिंग जैसे पॉली एटोमिक होते हैं जब ये तो जो कम कम ऑक्सीजन एटम्स वाला होता है उसमें सफिक्स आता है देखो नाइट्राइट आइट और ज़्यादा वाले में आता है एट ऐसे ही देखो सल्फाइट कम कम ऑक्सीजन आइटम वाला सल्फेट ज़्यादा कार्बन आइटम्स वाला ठीक है तो ये चीज़ें इसके अंदर ध्यान रखने वाली होती हैं बाकी जो है आपको सारी की सारी ये लिस्ट इस तरीके से आपको याद करनी है नाइट्राइट नाइट्रेट सल्फाइट सल्फेट कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट को बाय कार्बोनेट भी बोल देते हैं एसीटेट या इथेनोएट फॉस्फाइट फॉस्फेट और हाइड्रोक्साइड ठीक है तो इन चीज़ों को लेकर इन चीज़ों को लेकर जो है आपने जो है बाद में फार्मूला फ्रेम कर सकते हो आप किसी भी केस में आप फार्मूला फ्रेम कर सकते हो जैसे कोई भी आपने से फॉर इंस्टेंस आपने निका आपने उठाया एल्युमिनियम क्लोराइड तो एल्युमिनियम का आपने उठाया ए एल थ्री पॉजिटिव और सी आपने लिया सी नेगेटिव तो इनका क्रिसक्रॉस मैथड से आप जो है यहाँ पर फॉर्मूला बना सकते हो ए एल थ्री है ना यू मेक यू शुड बी केपेबल ऑफ मेकिंग द फॉर्मूला फ्रॉम एनी ऑफ दीज गिवन कैटाइंस एंड एनस ठीक है तो ये सबसे पहली बात है नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आगे की बातें करेंगे इसके अंदर ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन शुरू करने से पहले आपको ये चीज़ें अच्छे से आनी चाहिए तो इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा ओके